आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दूसरों के बनाए हुए ऐप से पैसे कैसे अर्न करें। तो चलिए आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने एंड्रॉयड फोन में APK रिटर्न ऐप है, इसे डाउनलोड कर लेंगे। और इसे डाउनलोड करने के बाद ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है ना, सेलेक्ट APK फॉर्म ऐप, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद किसी भी ऐप पे हम जाके उसका एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक QR बार कोड स्कैनर आया है, तो इसका मुझे करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस पे जाएंगे, QR बार कोड स्कैनर का जो ऐप है ये वाला, इस पे इसको मैं ओके कर दूंगा। और ये वाला ऐप जो है मैं कर दूंगा, फिर इसके फुल एडिट का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देंगे। फिर इसमें देखिए जो है, इसमें जाएंगे, सबसे नीचे चले जाएंगे, देखेंगे, या इसमें यहीं पर हम टाइप कर लेंगे CA- उसको यहाँ पे जाके सर्च कर देंगे। ठीक है, ये देखो दो आ गए, एक आ गया की बैनर और एक आ गया इंटरेस्टल है। ठीक है, तो अब जैसे हमें आपको अपने एडमोब में जाके आपको जो ये वाला आपको कोड बैनर वाला और इंटरेस्टल वाला ये मिलेगा, तो इस वाले के ऑप्शन पे जाएंगे और उसको जो है हम यहाँ से हटा के जहाँ पे जो अपना वाला होगा एडमोब से, उसको इसमें पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। और वैसे इसके बाद ये दूसरे वाले में सेम वही करेंगे, जो दूसरा वाला बैनर होगा इंटरेस्टेड होगा, इसको डाल देंगे इसमें। तो इसको भी मैं यहाँ से चेंज करके वाला लगा देंगे, उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसके ऑप्शन पे, यहाँ पे बिल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे कि अभी ये ऐप क्योंकि मैंने पहले से मेरा बना हुआ, तो ये बना हुआ आ जाएगा, अभी ये बन चुका है। और अब इसे इंस्टॉल करना है, तो जो मेरा पहले वाला ऐप है ये वाला, इसे मुझे डिलीट करना होगा। ठीक है, तो जो है इसमें डिलीट का ऑप्शन आ गया, क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, डिलीट हो गया। उसके बाद अपने इसमें बैक ऑप्शन में जाएंगे, ये मेरा आ चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से इंस्टॉल कर देंगे। फिर से हम ओपन कर लेंगे। इसमें कुछ समय के बाद जो है आपके जो ये वाला ऐप है QR बार कोड स्कैनर, इसमें कुछ समय के बाद ऐड आना शुरू हो जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो